चिकन दम बिरयानी। तो ये थी चिकन दम बिरयानी, टेस्ट में बहुत ही डिलीशियस थी, मुझे तो बहुत मजा आया खाने में। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। बात करते हैं इसके कुकिंग प्रोसेस की। तो पहले जो है आपने चिकन को मैरिनेट कर लेना है, उसके लिए आपने जो है दही, क्रीम, नमक, देगी मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, साथ ही साथ उसमें जो है ब्राउन किए हुए प्याज भी ऐड करने हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करना है, फिर उन सबको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपका मैरिनेशन तैयार हो जाएगा। इसे 40 से 50 मिनट रूम टेम्परेचर में रख दें और साइड बाय साइड आपने जो है राइस को सोक करने के लिए रखना है आधा घंटा। सोक करने के बाद आपने जो है पानी चढ़ाना है, उसके बाद उसमें काली मिर्च, तेज पत्ता और इलायची ऐड करनी है, साथ ही साथ उसमें नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा और एक पीस नींबू का जूस, साथ ही साथ केवड़ा जल। उसके बाद पानी को जो है बॉईल होने देना है। बॉईल होने के बाद आपने उसमें राइस ऐड करना है और राइस को फिर आपने जो है 70-80% कुक करना है, ज्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा कच्चा और हल्का सा पका हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपने उसको स्ट्रेन कर लेना है राइस को। फिर उसके बाद आपने साइड बाय साइड झोल बनाना है। झोल के लिए आपने जो है पैन लेना है, उसमें घी ऐड करना है, साथ साथ उसमें ग्रीन चिली, उसके बाद उसमें दूध और
चीनी ऐड करनी है और लास्ट में उसमें केसर और केवड़ा ऐड करके आपका झोल भी तैयार हो जाएगा। उसको एक बॉईल आने देना, उसके बाद उसे साइड कर देना। वो केसर जो है अपने आप ही उसमें रंग छोड़ने लगेगा। 15 से 20 मिनट उसको रेस्ट करने देना। फिर आपने जो है पतीला लेना है, पतीले में आपने घी ऐड करना है, उसमें जो है मिंट, ग्रीन चिली और चॉप किया हुआ धनिया ऐड करना है। साथ ही साथ उसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करना है और उसको 5 से 7 मिनट भून लेना है। 5 से 7 मिनट भूनने के बाद उसके बाद उसमें पानी ऐड करना है और फिर उसको जो है 10 से 15 मिनट लो फ्लेम में कुक होने देना है। ऊपर से ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट कुक होने के बाद आपने उसकी ग्रेवी और पीसेस थोड़े से निकाल लेने हैं। तो नीचे आपने जो है थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है, उससे क्या आपका बिरयानी के चावल जलते नहीं है। ज्यादा भी ग्रेवी नहीं रखनी, चावल ज्यादा गीले हो जाते हैं, तो हल्की सी ग्रेवी रखनी है। फिर आपने उसमें पहली लेयरिंग लगानी है, उसके बाद आपने दोबारा जो चिकन आपने निकाल के रखा था पीसेस डालने हैं और बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी ऐड करनी है। फिर उसके बाद सेकंड लेयर लगानी है राइस की और उसके बाद उसमें बरिस्ता, मिंट, ग्रीन चिली और धनिया चॉप किया हुआ ऐड करना है और साथ ही साथ जो आपने दूध का झोल बनाया था वो ऐड करना है ऊपर से। उसको अच्छे से फैला के डालना है ताकि चावल में जो है अच्छे से कलर आए। फिर आपने उसमें जो है सिलो फॉइल से पैक करके 15 मिनट दम पे रखना है, 5 मिनट हाई फ्लेम में, उसके बाद 10 मिनट लो फ्लेम में और 10 मिनट के दौरान आपने जो है 5 मिनट उसे तवे के नीचे रखना है। उसके बाद आपकी बिरयानी तैयार हो जाएगी, तब आप इसे सर्व करके एंजॉय करें और शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों को जो बिरयानी बहुत पसंद करते हैं। और जितने ही मैंने इसमें इंग्रेडिएंट यूज करे हो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये चिकन बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।